रामलला के स्वागत में अवधपुरी राममय हो चुकी है। नगर में हर जगहों पर जश्न का माहौल है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता बढ़ाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसकी जिम्मेदारी संस्कृति विभाग को सौंपी गई है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाले ललित कला अकादमी की ओर से कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है और इसके तहत अयोध्या धाम की प्रमुख दीवारों पर वॉल पेंटिंग कार्यशाला, सरयू नदी के तट पर भगवान श्री राम पर आधारित रेत शिल्प के अलावा राम बाल लीला कलाकृतियों की प्रदर्शनी, मेहंदी और फूलों की वाटिका और फोटोग्राफी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 18 जनवरी से ये कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं जो कि प्राण प्रतिष्ठा यानी कि 22 जनवरी तक चलेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच पूरी अयोध्या राम में नजर आ रही है। अयोध्या की हर दुकान, हर मकान, हर सड़क, हर रास्ते पर सिर्फ जय श्री राम की आध्यात्मिक अनुभूति महसूस की जा सकती है। विरासत और आधुनिकता का समावेश बैठाती भव्य अयोध्या में हर तरफ भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। वहीं राम भक्तों में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह साफ दिख रहा है। वहीं राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की निदेशक डॉक्टर श्रद्धा शुक्ला ने बताया कि अयोध्या धाम के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास CRPF की दीवार पर लगभग 3000 वर्ग फीट, अयोध्या कलेक्ट्रेट भवन की दीवार पर लगभग 1500 वर्ग फीट और राम की पैड़ी मार्ग पर स्थित सिंचाई विभाग के भवन की दीवार पर लगभग 1200 वर्ग फीट के क्षेत्र में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लगभग 40 कलाकारों द्वारा वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसके अलावा महर्षि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर महर्षि वाल्मीकि की ब्रांज की प्रतिमा, सूर्य कुंड पर भगवान सूर्य और गणेश कुंड पर भगवान गणेश की ओडिशा सैंड स्टोन की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। भगवान राम, रामचरित पर आधारित भगवान राम की बाल लीला, भगवान राम की गुरुकुल लीला, हनुमान लीला, ताड़ का वध, सीता स्वयंवर, राम जटायु मिलन, हनुमान सीता मिलन जैसे विभिन्न परिदृश्यों पर चित्रकला के साथ मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है जो 26 जनवरी तक चलेगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 50 कलाकारों द्वारा 40 चित्रों, 10 मूर्तियों का सृजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के 10 जनपद यानी कि गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली और लखनऊ में भगवान श्री राम और उनके जीवन चरित्र पर आधारित होम स्टूडियो कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यशाला 1 फरवरी से 29 फरवरी के बीच होगी। कार्यशाला में चयनित कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन अयोध्या धाम में किया जाएगा। वहीं राज्य ललित कला अकादमी संस्कृति विभाग की ओर से महिलाओं और बालिकाओं के लिए मेहंदी, फूलों की वाटिका कार्यशाला का आयोजन एशिया डेल्फिक काउंसिल के सहयोग से किया जाएगा जिसमें 1000 कलाकार हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा राम उत्सव के कार्यक्रम के मद्देनजर प्रदेश देश के फोटोग्राफी कलाकारों के लिए स्वतंत्र फोटोग्राफी प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 20 जनवरी को होगी और समापन 23 जनवरी को होगा। प्रतियोगिता में चयनित कृतियों की प्रदर्शनी अकादमी की ओर से रामकथा पार्क लगाई जाएगी। वहीं विजेता कलाकारों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं, नया घाट स्थित सरयू नदी के तट पर ओडिशा के अंतर्राष्ट्रीय रेत शिल्प कलाकार पद्मश्री डॉक्टर सुदर्शन पटनायक अपने 7 सहयोगी कलाकारों के साथ भगवान श्री राम रामचरित आधारित रेत शिल्प कला शिविर का आयोजन करेंगे जिसे विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा।